आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स के बारे में बताए थे और nth डेरिवेटिव। आज इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास एक फंक्शन आ जाए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एम, और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब इसको एक बार करेंगे वाई वन निकालेंगे तो पावर पहले डिफरेंशिएट होगी, एम आएगा। यानी अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई वन इक्वल टू एम ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन, और फिर अब हम लोग ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ए आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए एम और ए मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा गया है एम ए, क्लियर। और ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस, ये एक बार डिफरेंशिएशन में। इसी तरह जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन आप करेंगे, जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम माइनस वन भी पावर आ जाएगी लीनियर फॉर्म में, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक। तो एम एम माइनस वन और एक ए और आ जाएगा, अभी ए है तो बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एम माइनस टू, ठीक। सिमिलरली अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं सपोज करिए, तो क्या हो जाएगा वाई थ्री एम एम माइनस वन एम माइनस टू, ये पावर भी डिफरेंशिएट हो जाएगी आपकी, फिर एक ए बढ़ जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो जैसे ये वाई थ्री है, अभी एक ऑब्जर्वेशन करिए तो लास्ट में यहाँ कितना आ रहा है, टू आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, एक कम आ रहा है। अगर ऐसे 4 करते तो क्या आता, एम माइनस थ्री तक जाते, ए की पावर 4 हो जाता, ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस 4 हो जाता आपका, और यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर 3 n होता तो ये पावर क्या हो जाती, n हो जाती, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ एम माइनस एन हो जाता। तो उसी इन जनरल जो लिखा गया है, 3 की जगह जैसे एन लिख दिया गया, ठीक है, और 2 है यहाँ पर, तो लास्ट जो ब्रैकेट आएगा उसमें एन माइनस वन है, एक कम आता है। ब्रैकेट्स कहाँ से स्टार्ट हैं, एम एम माइनस वन एम माइनस टू, 3 बार किया तो 3 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, 4 बार करेंगे से 4 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, क्लियर। और ये ए की पावर एन आ जाएगा, क्योंकि पावर हर बार एक बढ़ रही है, 3 में है वाई 3 है तो ए की पावर 3 है, वाई 4 होगा तो ए की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से लास्ट में ए एक्स प्लस बी की पावर, जैसे एम माइनस थ्री था तो ये माइनस एन हो जाएगा। तो दस ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि डीएन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है एम एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू एम माइनस एन प्लस वन। अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे यहाँ पर तो ये एम माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और ए की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन बन जाएगा, ठीक। अब क्या होता है कि आपने कितने बार डिफरेंशिएट किया और कितने पावर को किया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ए एक्स प्लस बी की पावर आपके पास 3 हो और आपसे वाई 5 पूछा जाए, ठीक है। तो अगर एन देखें तो यहाँ पर 5 है और एम देखें तो यहाँ पर कितना है, 3 है, ऐसा हो सकता है। या किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि वाई 2 पूछ ले आपसे, एन की वैल्यू कम हो एम की ज्यादा हो, तो एम और एन में एक कनेक्शन, यानी कभी कोई ऐसा होता है ना कि जैसे आपने पावर कम है डिफरेंशिएट ज्यादा बार कर दी, जैसे इस केस में तो अगर आप वाई फाइव निकालेंगे 5 बार करेंगे तो 0 ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, क्योंकि जो पावर है वो 3 लगी हुई है इसकी, वाई फाइव तो 0 होने वाला है ना। तो कब 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, चूंकि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है ये mth डिग्री का, तो पॉलिनोमियल का जितने डिग्री का होगा उतने ही बार डिफरेंशिएशन हो पाएगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, कम होगा तो इस फार्मूले से मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक हम शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन में, ध्यान समझना है उसको। इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एन, मतलब एन से ज्यादा है, जैसे अभी इसमें तो हमने कम लिया इस एग्जाम्पल में, लेकिन अगर पावर ज्यादा है और कम बार डिफरेंशिएट करना है तो रिजल्ट आता है कुछ नॉन निगेटिव, मतलब नॉन जीरो आता है, और वरना फिर 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन एन द अबव रिजल्ट कैन बी रिटन इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म बाई यूजिंग द फैक्टोरियल नोटेशन। दस इन दिस केस, अब देखिए इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। जब मैं एरो बना रहा हूं ध्यान देखिए, ये एक्सप्रेशन आपका आया है आफ्टर डिफरेंशिएशन, इसमें हम क्या करेंगे कि नीचे इन डिनोमिनेटर में, ये देखिए डिनोमिनेटर में क्रिएट कर रहे हैं ब्रैकेट्स एम माइनस एन, इन मल्टीप्लाई करना कहिए, डिवाइड करना कहिए, ओवरऑल कहेंगे तो हम डिवाइड कर रहे हैं एम माइनस एन से, एम माइनस एन माइनस वन अप टू टू वन से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो लास्ट ब्रैकेट न्यूमिनेटर में है वो एम माइनस एन प्लस वन है, एम माइनस एन प्लस वन, अब मल्टीप्लाई करिए एम माइनस एन, ठीक, और फिर एम माइनस एन माइनस वन अप टू वन, इन ये ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हमने किए यहाँ पर,
इससे क्या होगा कि ये न्यूमिनेटर जो है कंप्लीट फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, क्लियर। क्योंकि देखिए यहाँ घट रहा है, देखो अगर आप ना समझ में आ, ध्यान दीजिए, जैसे m है, m में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर m में से दो सब्ट्रैक्ट होगा, तीन, फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, फिर m माइनस एन प्लस वन से फिर एक और सब्ट्रैक्ट करिए तो m माइनस एन बचेगा, फिर एक और सब्ट्रैक्ट करिए तो m माइनस एन माइनस वन, ऐसे सब्ट्रैक्ट होते 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 लास्ट में वन आ जाएगा आपके पास, ठीक। जीरो नहीं करना है अभी हमको यहाँ पर, जीरो हो जाएगा बस, लास्ट नंबर हमारा वन आएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि फैक्टोरियल सिक्स भी अगर ओपन किया जाता है तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन आता है, तो यही चीज यहाँ पर आई है कि हमने m नंबर को इस तरीके से लास्ट में वन, m से लेकर के वन तक चले गए यहाँ पर, तो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल m में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग नंबर क्या है आपके पास, m माइनस एन, और ये घटते 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 हो गया है वन, तो यहाँ जो फैक्टोरियल बनेगा वो m माइनस एन का बनेगा डिनोमिनेटर में, ठीक। तो ये देखिए आपके पास आ गया, न्यूमिनेटर में बन गया फैक्टोरियल m, ठीक, और यहाँ पर आ रहा है m माइनस एन का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। और पावर वैसे ही मैंने जाएगी, एक ही पावर है, ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये तब होगा जब m ज्यादा होगा आपका, m विल बी ग्रेटर देन n, यानी पावर ज्यादा होगी। अब अगर मान लीजिए पावर कम है, पावर की वैल्यू और n यानी ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि वाई फाइव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए बराबर है, तो अगर m इज इक्वल टू n है तो यहाँ पर m इज इक्वल टू n होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, और फैक्टर जीरो वन होता है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा वन। अब न्यूमिनेटर का केवल फैक्टोरियल m आपके पास रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद कर लेना है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m है, तो जो वाई एन निकलेगा वो इस कंडीशन में निकलेगा। तीन कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है वाई एन की, ये तीन वैल्यूज आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन m एंड n। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टोरियल नोटेशंस में स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार मैं फिर से इस बात को बता दे रहा हूँ, जो m m माइनस वन आ गया है तो कई स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं, तो एक बार यहाँ पर और बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है सिक्स फाइव फोर, ठीक। अब इसको हम बोले आपसे कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट्स थे वो पहले m माइनस एन तक है, देखिए इसमें m माइनस एन तक है, और ये हमने ऊपर इंट्रोड्यूस किया है, ये जो हम डार्क कर रहे हैं रेड से, और डिनोमिनेटर में भी इंट्रोड्यूस किए ब्रैकेट्स हमने, ये बराबर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्यों मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में और क्यों मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, इसका कारण ये है कि हम फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ सिक्स फाइव फोर है, सिक्स फाइव फोर, इसको लिख सकते हैं सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। क्यों लिखा, न्यूमिनेटर को सिक्स फैक्टोरियल में लिखना चाहते हैं, ठीक। और जितना हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है एक्स्ट्रा, वो नीचे भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, तो ये जो थ्री टू वन आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिए उतने, एज पर एक्चुअली ब्रैकेट में नंबर है वो। अब आप देखिए तो न्यूमिनेटर जो बन जाएगा वो सिक्स का फैक्टोरियल जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, ये आपका थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल एक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन करने के बाद ही आप ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रूफ नंबर सेकंड है, इसमें निगेटिव पावर है, इफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन, ठीक। तो देखिए अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो y1 इज इक्वल टू माइनस वन ए ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव पावर आ जाएगी आपके पास। अब y2 यानी दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, देयर फोर वाई टू इज इक्वल टू, अब इसको पावर फिर डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो माइनस वन माइनस टू और ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो ए आया है ना ये ए एक्स प्लस बी की वजह से आया है, ठीक। अब ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस थ्री आ जाएगा। फिर एक बार निकालिए वाई थ्री, जब वाई थ्री निकालेंगे तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ए की पावर थ्री हो जाएगा, अभी ए स्क्वायर था क्योंकि तो तीसरी बार कर दिया, और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस फोर। अब यहाँ पर एक जनरलाइजेशन देखिए आप, जनरलाइजेशन क्या मतलब, जैसे थ्री है तो लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, पावर भी थ्री है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस फोर। इसका मतलब है ये माइनस फोर जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं माइनस थ्री प्लस वन,
क्या लिख सकते हैं, 3+1। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 3 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3, तो हम इस 3 को n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम n से रिप्लेस करें तो yn इज इक्वल टू -1 -2 -3, और -3 और अप टू यहाँ -n होना चाहिए था। कहां तक जाएंगे? -n तक, क्योंकि -3 तक गए थे। डॉट डॉट करके अगर हम लिखें तो -n तक आएंगे, और a की पावर n हो जाएगा, जैसे a की पावर 3 था, और ax प्लस b की पावर माइनस टाइम्स n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जैसे यहां हमने मैनेज किया था, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो -1 -1 -1 कितने ब्रैकेट है माइनस वन के, n है, तो -1 की पावर n क्रिएट हो जाएगा, -1 की पावर n, ये हो सकता है। अब जो आपके पास ये जो -1, अगर ध्यान दें, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर इस तरीके से, -n तक है, तो -1 की पावर n आ जाएगा, लेकिन नंबर रह जाएगा 1 2 3 करते करते n, 1 2 3 n का मतलब कितना हुआ, -1 to the power n, n factorial, तो ये आ गया n factorial, a to the power n, और ये बात जो मैंने आपको बताई थी अभी ना, -n+1, तो -n -1 हो जाएगा। तो ये एज एक फार्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए, और इससे आप आगे के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला करेंगे हम लोग। अगर y इक्वल टू e की पावर ए एक्स प्लस बी है, जिसका अगर पहला डिफरेंशियल करेंगे तो y1 इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। क्यों? क्योंकि पहले तो e की पावर x का डिफरेंशियल होगा। देखिए, अगर y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स प्लस बी है, तो y1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस बी, फिर इस पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो a आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आ रहा है ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो ए ई की पावर एक्स प्लस बी, दोबारा करेंगे सेकंड टाइम y2 निकालेंगे तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस बी, और y3 करेंगे तो एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर ये 3 देखिए, ये 3 देखिए, तो अगर हम 3 को n से रिप्लेस कर दें, जनरलाइज हो जाएगा आपका ये। तो dn ऑफ e की पावर ax प्लस क्या हो जाएगा, a की पावर n, क्योंकि यहाँ a की पावर 3 आ रहा है, e की पावर ax प्लस b। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। इन पर्टिकुलर b अगर 0 हो जाए, इफ b 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, d की पावर n e की पावर ax इज इक्वल टू e की पावर ax हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। इसके बाद के दो प्रूफ हैं, ये नोट्स में आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसका पीडीएफ प्रिंट आउट ले लें, और इनको आप पढ़ के अपने आप से करिए। 4th and 5th ये दोनों आपके होमवर्क में हो गए हैं। कैरिकुलम में जाएंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, और प्लस वहां पर एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन भी अवेलेबल है। और इसमें देखिए, ये वाला कल हमने करा दिया था लास्ट लेक्चर, देखिए आप y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी का, सिमिलरली ये हो गया था। ये अभी नहीं कराया है, इसको अपने आप करेंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है प्रूफ नंबर 8 में, ये जो 8 नंबर का है, तो हम इसको कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, आप हमें बताइएगा। ठीक, इसके बाद इसमें है कि रिमेंबर द फॉलोइंग रिजल्ट्स, जितने रिजल्ट आपने निकाले हैं ये सारे के सारे रिजल्ट एक जगह कलेक्टिवली हैं, इन्हें देख लेंगे नोट से और याद कर लेंगे पूरे फार्मूले। फिर ये रिमेंबर दिए हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, लास्ट टाइम भी बताया था आपको हमने, और ये रिमार्क भी समझा दिया था आपको, और ये डिमेवर्स थ्योरम के बारे में बताया गया इसमें कि डिमेवर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। डिमेवर्स थ्योरम, वेयर नेसेसरी इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज सम और डिफरेंस ऑफ द साइन एंड कोसाइन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ एक्स। एक्चुअली डिमेवर्स थ्योरम वहां लगा सकते हैं जहां पर हमें, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, मान लीजिए कि वाई इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, कॉस की पावर 8x, ये प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है इस टाइप के एग्जाम में, बट हमने एक रख दिया है अपन कि साइन की पावर 7x, कॉस की पावर 8x, yn x निकालिए, तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है आपका, लेकिन डिमोर थ्योरम से इसको एज ए सम एंड डिफरेंस में साइन कॉस के ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपने फार्मूले कल पढ़े थे साइन कॉस के डिफरेंस वाले, यहाँ पर जो बताया गया था ये, इसमें केवल फार्मूले आपके पास साइन ए एक्स के प्लस बी का है, साइन स्क्वायर का नहीं है, स्क्वायर को भी आपको लीनियर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी साइन और कॉस की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसको ब्रेक करने का तरीका जो है वो यही है कि ये जो फार्मूले हैं आपके 2sin a cos b वाले, इनसे प्लस माइनस के फॉर्म में, देखिए प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है, इस तरह हो गया, तो उसमें डिमोर सेवन लगा के कर सकते हैं। ठीक, एक ये नॉलेज यहाँ पर, अभी आगे देखेंगे प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कराते हैं। To find the nth derivative of the quotients of two polynomials, we first resolve the given fraction into partial fractions. अब यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके पास, suppose करिए कि एक problem इस type की, y is equal to x upon 1 minus x square.
तो इसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं निकलेगा जब तक पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर लेंगे y इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि जो आज आपने एलजेब्रिक पढ़ा है फार्मूला वो माइनस वन, ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है ना, ये जो भी आपको बताया गया था dn ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन, तो ax प्लस बी यहाँ भी लीनियर है, अगर ध्यान दीजिए ax प्लस बी की पावर माइनस वन, जो ये फार्मूला भी आपने यहाँ वाला मैं लिख रहा हूँ फिर से देखिए ध्यान से इसको, कि dn ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ताकि न्यूमेरिकल से इस पे सॉल्व होते हैं, तो माइनस वन टू द पावर एन n फैक्टोरियल a टू दी पावर n इनटू क्या है आपके पास ax प्लस b की पावर माइनस n माइनस वन, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ax है तभी लगेगा, अगर ax स्क्वायर आ जाएगा तो नहीं लग पाएगा, तो उसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं और उसको यूज करते हुए लगाते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा जब अभी आप एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, एक बार ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ जाए कि y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसके फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख लिया, आई आयोटा का यूज कर लिया, कॉम्प्लेक्स का यूज कर लिया, बाद में कॉम्प्लेक्स को हटा देंगे हम लोग। ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आगे करनी होंगी, इन दैट केस वेयर द डिनोमिनेटर ऑफ एन एलजेब्रिक फंक्शन कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर एंड रियल फैक्टर्स, यानी अगर रिजॉल्व ना हो, ब्रेक ना हो, ठीक है, वी मेक यूज ऑफ डिमोर थ्योरम टू फाइंड द एनथ डेरिवेटिव, हम डिमोर थ्योरम लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर हम आपको एग्जांपल्स सॉल्व कराएंगे कि कैसे इनको अप्लाई करेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल टू, देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द एनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी हमने आपको शायद ऊपर लिखा भी था कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी जब, देखिए यहाँ पर x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वन, तो इनको कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला भी आपने पढ़ा है dn वाला, एक बार मैं आपको और शो कर दूं, वो लीनियर के लिए है। यहाँ पर जो था आज ही प्रूफ किया था आपने, dn ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन, माइनस वन टू दी पावर n, n फैक्टोरियल a टू दी पावर n, ax प्लस बी की पावर माइनस n माइनस वन। एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पर आपके सामने फिर से लिख देते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये यूज करेंगे कि dn ऑफ, फिर से समझ लें आप, ए एक्स प्लस बी की पावर अगर माइनस वन है, ठीक, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा आपके पास, ए की पावर n, यहाँ पर माइनस वन टू दी पावर n पहले लिख लेंगे और a की पावर n लिख लेंगे आप, ठीक है, और n फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस वन आता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे, तो नीचे फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, इसको ऐसे करना चाहिए कि एक्स अपॉन एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन लिख लिया एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वन लिख लिया आपने दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का आपने तरीका पढ़ा, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आप अपना कर लीजिएगा घर पर, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आई थिंक निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू, ट्वेल्थ क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, तो ए की वैल्यू भी हाफ आएगी और बी की वैल्यू भी हाफ आएगी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन वी फर्स्ट रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस टू यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी हैव। अब देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ किया गया, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अभी एनर्जी डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं कि जहां से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने x प्लस वन देखिए आ गया और x माइनस वन, इसको पावर में निगेटिव में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वन की पावर माइनस वन और x माइनस वन की पावर माइनस वन। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, n टाइम डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि आपने dn इम्पोज कर दिया, क्या इम्पोज कर दिया, dn, और dn y का मतलब कितना होता है yn, तो ये yn लिखा है। अब ये ऑपरेटर dn अंदर जाएगा, यानी x प्लस वन की पावर माइनस वन पे इम्पोज होगा, और dn ऑपरेटर अंदर और जाएगा जब प्लस के बाद, तो x माइनस वन की पावर माइनस वन पे इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हाफ,
और अब इस पे हम दो बार, एक बार यहां फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला यहां लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ठीक, इसीलिए एरो खींच दिया मैंने, हाफ माइनस वन टू दी पावर एन। अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू अगर हम बात करें, ए कितना है, ए वन है इस प्रॉब्लम में, यहां पर ए जो है वो वन हो जा रहा है आपका, तो इसलिए माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस एन माइनस वन यहां भी आ जाएगा। दो बार इस फॉर्मूले को लगाया हम लोगों ने, ठीक है, स्क्रीन पर है, देख लीजिए ध्यान से आप, ठीक। अब इसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो कितना है, हाफ है, और माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में आपके पास रहेगा वही कुल मिलाकर के आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री टू से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए इसमें करना क्या कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो इज जीरो इफ एन इज इवन एंड इज माइनस एन फैक्टोरियल इफ एन इज ऑड एंड ग्रेटर देन वन, ठीक, जीरो इफ एन इज इवन एंड इज माइनस एन फैक्टोरियल इफ एन इज ऑड एंड ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो पहले वाई एन तो निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए, ठीक है, वाई एन निकालेंगे और फिर एक्स जीरो पुट करेंगे और एन इवन लेंगे फिर ऑड लेंगे, वो डिस्कशन है हमारा। लेकिन इसका वाई एन निकालने से पहले जब पार्शियल करना पड़ेगा, देखिए भी आपने ऊपर भी देखा कि आपने ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिनोमिनेटर का फैक्टर किया और उसके बाद पार्शियल किया। लेकिन एक बात हम और यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, एग्जाम्पल टू में जो न्यूमिनेटर में है पावर एक्स है और डिनोमिनेटर की इतनी है एक्स स्क्वायर, लेकिन इस प्रॉब्लम में एग्जाम्पल थ्री में न्यूमिनेटर में एक्स क्यूब है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। देखिए ध्यान से हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ट्वेल्थ क्लास का कंसेप्ट ये है कि अगर न्यूमिनेटर में पावर ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर में कम होती है तो पहले हम डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमिनेटर की पावर जो है एक्स की वो कम होनी चाहिए तभी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम डिविजन करेंगे, यानी एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से। देखिए ये डिवाइड करके लिखा गया है, अभी हम डिवीजन आपको बता सकते हैं कैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करना है, किसको, एक्स क्यूब को करना है, क्यूब है सॉरी, ये क्यूब लिखा था, ठीक है। अब एक्स क्यूब को जब आप करेंगे, देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब को करेंगे तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, आपके पास x बचेगा। तो x प्लस x अपॉन दिस, जैसे लिखते नहीं नंबर सिस्टम में, क्वेश्चन का पता ही तरीका लिखने का, तो x अपॉन x प्लस, तो आया x प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस वन। अब x अपॉन x स्क्वायर माइनस वन का पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ऊपर किया गया था ये एग्जांपल टू में x अपॉन x स्क्वायर माइनस वन का, उसी प्रकार से आप यहां भी कर लेंगे, तो x अपॉन x माइनस वन, फिर हाफ आएगा दोनों में, ठीक है, और इस तरीके से आप y आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो nth डेरिवेटिव्स का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल नहीं करना आपको, लिखा एंड ग्रेटर देन 1 देखिए लिखा एंड ग्रेटर देन, n की वैल्यू 1 से ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो n ग्रेटर देन 1 लेकर के हमने इसका nth डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए एन ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, समझे आप, एक्चुअली एन ग्रेटर देन 1 में होने से ये एक्स का जो डिफरेंशियल होगा ना, ये जो dn x अपॉन dx n कहिए इसको आप, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल एक बार हो सकता है, जहां n की वैल्यू दो हुई टू हुई तो तुरंत ये जीरो हो जाएगा। तो पहला टर्म इसीलिए यहां नहीं आ रहा है, पहला टर्म यहां नहीं आ रहा है, ठीक, हाँ इसका डिफरेंशियल वही आ जाएगा जहां मैं सर्किल कर रहा हूं, जो ऊपर आया था आपका, जो ऊपर वाला जिस प्रोसीजर से हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल टू में, तो एग्जाम्पल टू के सोल्यूशन की कॉपी कर दीजिए यहां पर, क्योंकि सेम टू सेम है वो चीज, तो वो जब एग्जाम्पल टू के सोल्यूशन की कॉपी करेंगे तो यू विल हैव वाई एन लाइक दिस, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और डी एन एक्स जीरो एन ग्रेटर देन वन, ठीक। तो ये हमने जो यहाँ पर कॉपी किया है ये फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर टू से हम लोगों ने ले लिया है, कहाँ से लिया है, एग्जाम्पल नंबर टू से पूरा। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करना है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द एक्सप्रेशन फॉर वाई एन, तो एक्स आप जीरो पुट कर दीजिए, एक्स जीरो पुट करेंगे यहां पर, एक्स यहां पर जीरो पुट करेंगे, ठीक, तो जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन तो रह जाएगा ना, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन, अच्छा यहाँ प्लस वन रह जाएगा
तो प्लस वन की पावर अगर एन प्लस वन है तो वन ही रहेगा, इसलिए ये वन अपॉन वन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ये वाई एन जीरो, हमने उसने भी बताया था आपको कि एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा गया है। तो आई थिंक यहां तक का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर एन इवन है तो क्या होगा, एन ऑड है तो क्या होगा। देखिए, अगर एन की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास, इवन आ रही है मान लीजिए। ठीक है, एन इवन होने से माइनस वन टू दी पावर एन ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन है। ठीक, तो बचेगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन टू, एन फैक्टोरियल अपॉन टू। और ये आपके पास यहां पर क्या होगा, क्योंकि एन इवन है तो एन प्लस वन ऑड हो जाएगा, एन प्लस वन इज ऑड। ठीक, माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन, ये माइनस वन प्रोवाइड करेगा आपको। वन अपॉन माइनस वन फिर निगेटिव हो जाएगा, वन अपॉन माइनस वन निगेटिव हो जाएगा, माइनस वन।